बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रूही नाम की एक लड़की रहती थी। वो और उसके माता पिता बहुत गरीब थी, एक झोपड़ी में रहती थी। लेकिन गरीब होने के बाद भी वो लोग बहुत ही खुशी खुशी रहती थी। रूही के पिता जो भी कमाती थी उन सब से उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन रूही स्कूल से आकर देखती है उसके घर में आग लग गई और उसके साथ उसके घर के साथ उसके माता पिता भी वहाँ जल के मर गई है। ये देखकर रूही बहुत रोती है। ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे खुशी को किसकी नजर लग गई? अब मैं कहाँ रहूँगी, किसके साथ रहूँगी? मेरे माता पिता भी नहीं रहे, मेरा घर भी नहीं रहा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? माता पिता अब क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मैं तो आप लोगों के सिवा जीना भी नहीं सीखा है। ऐसे कहकर रूही बहुत फूट फूट के रो रही थी। तभी वहाँ पर उसका चाचा आ जाता है, क्योंकि उसके चाचा को उसके माता पिता की मौत की खबर लग गई थी और आके बोलती है, रूही बेटा चलो यहाँ से, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा माता पिता अभी जिंदा नहीं है और न ही तुम्हारे रहने के लिए कोई घर है। इसके बाद रूही अपने चाचा के साथ उनके घर में चली जाती है। रूही की चाचा बहुत अमीर थी, लेकिन रूही की चाची रूही को उनके घर में बिल्कुल ही पसंद नहीं करती और गुस्सा होके बोलने लगती है, आपको मैंने कहा था ना कि इस गरीब की बच्ची को यहाँ पर मत लेकर आना, आते ही मेरा घर गंदा कर दिया, इसे क्यों लेकर आए हो? जल्दी से बाहर कहीं छोड़ के आओ, हम यहाँ पर इससे नहीं रहने देंगे। ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो, मेरा भाई मर चुका है, अब मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? रूही तू यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अगर आपको इतनी प्यारी है तो ये यहीं पर रहेगी, लेकिन ये एक नौकरानी की तरह रहेगी। मैं इसे कभी भी अपनी बेटी की जैसे प्यार नहीं करूंगी। यहाँ पर रहेगी और सिर्फ घर का काम करेगी। ठीक है चाची, कोई बात नहीं, अब गुस्सा मत हो, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। मुझे खाना पकाना भी आता है, मेरी मम्मी ने मुझे खाना पकाना भी सिखाया है। ठीक है, और मुझे चाची मत बुलाना, आप यहाँ पर खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है? जाके घर का काम कर, चल जल्दी से जा और जाकर वहाँ पर गंदे कपड़े है वो धो दे और फिर खाना भी बना दे। उसके बाद रूही उदास होके घर के सारा काम करने लगती है और खाना भी अच्छे से बना रही थी। उसकी चाची की एक बेटी थी, उसका नाम था माही। माही रूही को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। वो जाकर उसके बनाए हुए खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची और नमक डाल देती है। रूही को ये बात पता नहीं होती है, तो वो वही खाना ले जाकर उसकी चाचा चाची को खाने के लिए दे देती है। उसकी चाची जब ये खाना खाती है तो बहुत गुस्सा करती है और रूही को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। क्यों रे, तू क्या हमें मरना चाहती है? ये नमक और मिर्ची वाला खाना खिलाकर और फिर हमारे प्रॉपर्टी सब कुछ तेरे नाम करने का यही तेरा इरादा था ना? देखिए, मैं आपको पहले ही कहा था, इन गरीब लोगों की यही एक खासियत होती है, आप हम इसे यहाँ पर एक भी पल नहीं रखेंगे। हाँ माँ, क्या पता आज इसने हमारे खाने में नमक और मिर्ची डाला है, कल ये हमारे खाने में जहर मिला देंगे। आप ही देखिए, क्या आप अपनी भतीजी के साथ है या फिर मुझे और अपनी बेटी के साथ? अगर रूही इस घर पर रहेगी तो मैं और माही यहाँ से चले जाएंगे और आप यहाँ पर अपनी भतीजे के साथ रहना। इसके बाद रूही की चाचा चाची बहुत देर तक लड़ाई करते रहते हैं। दोनों की लड़ाई रुकने की नाम ही नहीं लेती। उनकी लड़ाई देखकर रूही बोलती है,
है। चाची चाचा आप लोग मेरे लिए लड़ाई मत कीजिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ऐसे लड़ाई मत कीजिए। ऐसा कह के रूही अपने चाचा के घर से चली जाती है और उदास होकर एक जंगल के बीच में से गुजरने लगती है और शाम हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा थक जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने मन ही मन में दुख भरी बातें करने लगती है। ऐसा क्या किया मैंने, मेरी क्या गलती है कि भगवान आपने मुझसे मेरी माता पिता भी छीन ली और मेरा एक चाचा के पास रहने का घर था वो भी अब मुझसे छीन गई है, क्यों सब लोग मेरे साथ ऐसे कर रही है। ऐसा कह के रूही वहाँ पर रोने लगती है, तभी उसे किसी जगह से आवाज आती है, बचाओ, कोई है क्या यहाँ पर, मुझे बचाओ, मेरे जान खतरे में है। रूही आसपास देखती है तो उसे दिखाई देती है एक परी एक जल में कैद है। ये देखकर वो जल्दी से उस परी के पास जाती है। अरे परी आपको क्या हुआ, आप इस जल में कैसे बंद है, मुझे किसी चुड़ैल ने यहाँ पर बंदी बना के रखा है, क्या तुम मुझे यहाँ से छुड़ा सकती हो, जल्दी यहाँ से छुड़ा के ले चलो मुझे, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। ये सुन के रूही उस परी को जल से छुड़ाने जाती है लेकिन वो जल टूटता ही नहीं है। परी जी ये तो टूट नहीं रहा है, क्या करूं? शायद उस चुड़ैल ने यहाँ पर कोई मंत्र पढ़ के जादू करके गया है, ऐसे नहीं टूटेगा, क्या तुम मेरे लिए एक और काम कर सकती हो? हाँ बोलिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ दूर तीन जादुई सोने के लिपस्टिक की नदी है, अगर तुम वहाँ जाकर तीन सोने की जादुई लिपस्टिक लेकर आओगे और उसे मुझे दोगे तो मैं जादू करके इस जल को तोड़ सकती हूँ। ऐसा सुनकर रूही बोलती है, ठीक है परी जी, मैं अभी जाकर वो तीन सोने की जादुई लिपस्टिक की नदी से एक एक लिपस्टिक लेकर आती हूँ। ऐसा कह के रूही बहुत ही मुश्किल का सामना करके उस नदी के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर तीन जादुई सोने के लिपस्टिक की नदी से एक एक करके लिपस्टिक लेकर परी को आकर दे देती है और परी अपने जादू से वो जल से मुक्त हो जाती है और बोलती है, रूही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारे सारे बातें सुन ली जो तुम पेड़ के नीचे बैठे रो रही थी और बता रही थी, मैं इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ये लो एक सोने की जादुई लिपस्टिक, अगर तुम ये सोने की जादुई लिपस्टिक इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कोई भी दुख या परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चले जाती है। मन ही मन रूही उस परी का धन्यवाद करती है और जब वो लिपस्टिक इस्तेमाल करती है तो वो देखती है उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा घर आ जाती है और उस घर के अंदर सुख सुविधाएं होती है। इसके बाद रूही हमेशा खुशी खुशी रहने लगती है और वो दूसरों जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है।